कोविड-19 के समय सबसे ज़्यादा आर्थिक रूप से परेशान हुए पथ विक्रेता जो सड़क के किनारे ठेला पटरी पर दुकानें लगाते हैं, उनकी परेशानी को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वनिधि योजना लॉन्च की, जिसमें प्रत्येक वेंडर को 10,000 रुपये की लोन राशि बिना गारंटी की दी गई। उसके पश्चात जिन वेंडरों ने 10,000 रुपये लोन जमा कर दिया, उन्हें पुनः 20,000 रुपये की धनराशि मुक्त की गई। अब अभी वर्तमान में इस महीने सरकार की तरफ से जो 10-20 दोनों ऋण जमा कर चुके हैं, उनके लिए 50,000 रुपये की राशि फिर अवमुक्त की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये पहल कितना कारगर साबित होगा? प्रधानमंत्री जी की ये योजना पथ विक्रेताओं के लिए अमृत के समान थी। उनके आर्थिक संकट के समय जो पूंजी वो कोविड काल में खा चुके थे, ख़त्म हो चुकी थी, उनकी पूंजी का काम किया। इसके लिए मैं काशी से भारतीय पथ विक्रेता संघ परिवार की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ। अपना पूरा परिचय बताएं। भारतीय पथ विक्रेता संघ के संगठन मंत्री लखु शंकर। लखु जी, बात की जाए, जिस तरह ने अंदर मृदुला जायसवाल ने बोला है कि अब किसी भी ठेला पटरी व्यवसायी वाले को कोई प्रशासन परेशान नहीं करेगा, कितनी सच्चाई इसमें दिख रही है? ये तो जब से 20,000 का लोन, 10,000 का लोन दिए हैं मोदी जी, तब से परेशानी पूरी खत्म हो गई। अब कहीं ठेला वाले को पुलिस नहीं परेशान कर रही, ना नगर निगम, उनके व्यवस्था करके जगह वेंडिंग जोन चिन्हित करके उनको दिया जा रहा है। अपना पूरा परिचय बताएं। मैं आशीष कुमार गुप्ता, भारतीय पथ विक्रेता संघ संस्थापक। क्या कहना चाहेंगे, इस योजना का लाभ क्या हर वो घर तक पहुंचेगा जिसकी वो हकदार थे? मैं सर्वप्रथम तो प्रधानमंत्री को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इतनी बड़ी सोच उन्होंने जो हमारे फेरी पटरी वालों के लिए रखा है। दूसरी बात, ये जो योजना है अब तक नीचे लेवल पर ही गया है, और नीचे जो हमारा पायदान था, सबसे नीचा व्यक्ति जो पथ विक्रेता है, उसको इस योजना का लाभ मिला है। इस योजना के मिलने के बाद उसके परिवार में खुशियां ही मिली उसको।